लॉकडाउन के चलते वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर शवों का अंतिम संस्कार बहुत कम हो गया है। जहां एक दिन में पहले 100 से ज्यादा शवों को जलाया जाता था, कई बार तो शवों को जलाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था, वहीं अब इनकी संख्या 20 से 25 के बराबर हो गई है, जिसके कारण इससे जुड़े डोमराजा परिवार और साथ ही शवों का अंतिम संस्कार करने वाले 300 से ज्यादा परिवार भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। इन लोगों की मदद करने के लिए कुछ समाज सेवी भी आगे आए हैं जो इनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। सरकार मदद करे हम लोग का, ये वक्त हम लोग सब कोई असहाय भल है, सबकर बाल बच्चा हुआ भूखन मरत हुआ, अगर सरकार हम लोग का मदद करे तो ऐसे बढ़ के का हो। तो कुछ मदद कोई किसी ने दिया है? अभी तो नहीं, अभी आया था नहीं, अभी तो हम घर से चले आते हैं। नहीं, जो अभी, अभी जो चेक मिला आपको? हाँ। क्या? तो भैया जी देलन है चेक एक थे। क्या लगता है आपको ऐसे लोगों को मदद के लिए आगे आना? हाँ हाँ हाँ, सबके मिले, सब गरीबन के मिले तो अच्छा है ना। इस समय कितनी दिक्कत हो रही है आपको? एक तो कम हो गया है, बाड़ी भी जलना कम हो गया, हर विधि दुकान एक तो 3 दिन के पारी हम लोग का, 1 महीना में पारी आएगा 3, और सभी कैसे बीच बीच में सबका पारी आता है, कोई का बाल बच्चा कैसे ना कोई बाहर निकल पाता है, कोई मजूरी उजूरी करे। ऐसे पता है कैसे परिवार को चला रही है, कितना दिक्कत हो रहा है? अरे बहुत तकलीफ है, वक्त कितना बताएं, बहुत तकलीफ। पटेल जी आए थे वहाँ यहाँ घाट पर हम लोग का मदद करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने जो है हम लोगों का मदद किए। इसी तरह से ये जनता के बीच में जाए, बड़े लोगों के बीच में जाए, हम लोग की स्थिति को देखे। यहाँ पर डेड बॉडी का इस समय कोरोना वायरस के कारण जो है बॉडी कम आ रही है, हम लोग की परिस्थितियाँ जो है नॉर्मल होती जा रही हैं। तो इसी तरह से बड़े लोग आए, हम लोग को जाने देखे, हम लोग की स्थितियों से अवगत हो। जो राजमाता को उपाधि मिली है वो कैसे मिली है इनको? ये तो परंपरा है, इनके पहले इनके पूर्वज थे तो उनकी भी इसी तरह से राज परिवार का उपाधि था, उनके पहले जो है राज परिवार की उपाधि थी, इसी तरह से मतलब दर पीढ़ी दर चली आ रही है। और ये अपने से नहीं, ये जनता जनार्दन ने इनको जो है ये उपाधि दी है। राजा हरिश्चंद्र ने उपाधि इनको दी थी। जी क्या था? उस वक्त इस धरती पर राजा हरिचंद को खरीदने वाला और कोई परिवार और कोई कास्ट के लोग नहीं थे। क्या ये डोम परिवार था उनको खरीदने के लिए? तो हम लोगों का मतलब नाम ऊंचा करने के लिए वो भगवान ने परीक्षा लिया और जो है यहाँ पर उनकी ये परिस्थिति बदल दी हम लोग के कास्ट का, कि आज डोम परिवार के बीच में हम बिक कर सत्यता को जो है सामने लाएँ। तो राजा हरिचंद की कृपा और प्रभु भगवान की कृपा मसाननाथ का, ये तब से राज परिवार चलता चला। हमने जो है यहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे आए हुए हैं, जो डोम राजा परिवार में हमने आर्थिक मदद देने के लिए यहाँ जो इनका परिवार हरिश्चंद घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक 400 परिवारों का परिवार है, जो आदिकाल से ये लोग यहाँ स्थापित हैं। और काशी में इन्हें राजा की उपाधि भी दी गई है। काशी में राजा की उपाधि इसलिए दी गई कि पहले ये जो है कि जब राजा हरिश्चंद्र जो है काशी में नौकरी करने के लिए आए तो इन्हीं परिवार के यहाँ, और इनको जो है उस वक़्त जब राजा को इन्होंने नौकरी दिया तो उसी वक़्त से इनको जो है डोम राजा की उपाधि दी गई। और जो है इस वक्त स्थिति इनकी ये है कि सारे जगह से लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से रोक दिया गया है, कोई मुर्दा घाट पे नहीं आ रहे हैं, आसपास के एक आध दो ठो लोग आ रहे हैं जिस इनकी जीविका चलाने में असमर्थ है। डोमराजा परिवार जैसे ना जाने कितने परिवार ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन में आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। वाराणसी से न्यूज के लिए राम सुंदर मिश्रा की रिपोर्ट।